Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna vacha. Arjuna vacha. Sanyasam karmanam Krishna. Sanyasam karmanam Krishna. Punaryogam cha sansasi. Punaryogam cha sansasi. Yat sriyai tayorekam. Yat sriyai tanme bruhi sunischitam. हरे कृष्णा अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभ रखता है भगवद गीता के चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का अंतर बताया गया आत्मा और शरीर अलग है तीसरे अध्याय में कर्म करने को कहा गया कि कर्म करना चाहिए और कर्म के द्वारा धीरे धीरे निष्काम स्तर पर आना चाहिए चौथे अध्याय में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ 10 प्रकार के यज्ञ तो कर्म के द्वारा यज्ञ संपादित होते हैं और इस तरह यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त यज्ञों का यज्ञ करने का उद्देश्य है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है और फिर चौथे अध्याय के अंत में भगवान कहते कि हे अर्जुन इसलिए तुम उठो खड़े हो जाओ और युद्ध करो तो अर्जुन थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है भगवान के वचनों से अर्जुन कहता है कि हे भगवान आप एक तरफ कर्म करने की प्रशंसा कर रहे हैं कर्म करने को बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप दिव्य ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से और दूसरी तरफ आप बोले कि दिव्य ज्ञान अनुशीलन कर्म से श्रेष्ठ होता है तो आप कृपा करके मुझे किसी एक मार्ग का अनुमोदन करिए जो मेरे लिए पालन करना संभव है किसी एक मार्ग का आप मेरे लिए आप अनुमोदन करिए रिकमेंड करिए तो इस तरह से अर्जुन का प्रश्न है आप गीता में
पूरी गीता में देखेंगे इस तरह का सवाल आता है। गीता में, पूरी गीता में निष्काम कर्म करने को प्रेरित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ दिव्य ज्ञान और भक्ति की महिमा भी साथ साथ में गाए जा रहे हैं। तो गीता के जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि हमें क्या करना है, भ्रमित हो सकते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे एक मार्ग बताइए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ये सोच रहा है कि सन्यास लेने का अर्थ है सब कर्मों को त्याग करना और कल्पना करना, ज्ञान के बारे में सोचना, और कर्म करने का अर्थ है कर्मों में बंधे रहना, इस तरह से उनको लगा। तो वो सोच रहे थे कि ज्ञान अच्छा है, सब कुछ छोड़ के चले जाना अच्छा है, और हम अपना कल्पना करेंगे, और इसमें कर्म करने का मतलब युद्ध करना, युद्ध करने से कितने लोगों को मारना पड़ेगा, कितने लोग नाराज हो जाएंगे, कितने लोग ये सब खून खराबा होगा, इससे तो अच्छा है वही ज्ञान। इस तरह से अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो फिर अगर भगवान ज्ञान मार्ग को बता रहे श्रेष्ठ, तो क्यों नहीं मुझे फिर ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने दे रहे, क्यों मुझे युद्ध में लगा रहे, ऐसा भगवान के मन अर्जुन के मन प्रश्न आया। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का प्रज्ञा तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के प्रज्ञा से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म का परित्याग और कृष्ण भावना में कर्म दोनों श्रेष्ठ हैं। कर्म का परित्याग करना और कृष्ण भावना है, मतलब दोनों बना, लेकिन कृष्ण मतलब मेरे मत से, मेरे हिसाब से कृष्ण भावना में कर्म करना श्रेष्ठ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये हम जब कर्म करते हैं उससे बंधन होता है, हम जो कर्म कर रहे हैं उससे बंधन होता है, हम जितने भी कर्म किए जा रहे हैं उतने हमारे बंधनों को बांधते जा रहे हैं, और इन कर्मों के फल को भोगने के लिए हम लोग को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये बहुत खतरा है, ये बहुत खतरे वाला रिस्क की बिजनेस है, खतरे का धंधा है। जितने कर्म किए जा रहे हैं उतना हम लोग कर्म बना रहे हैं, उनके फल को भोगना पड़ता है मरने के बाद दोबारा जन्म लेके। भगवान ऋषभ देव अपने सौ पुत्रों को उपदेश देते हैं कि कर्म बंधन के बारे में,
श्लोक दिए हुए तात्पर्य में आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए अगर आप लोग बोल सकते हैं साथ में, नूनं भ्रमत कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रेतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशर आश्रदेह परावस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियावदिदां मनो मे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्यात्मन् उपदीयमाने ऋते नयान् मयि वासुदेवे नमोच्यते देहयोगेन तावत्। तो ऋषभदेव भगवान ये सुंदर उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि लोग इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हैं, लोग इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हैं। यह आपने देखा ही होगा अभी होली के समय, और वे यह नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। नो नाम प्रमत्त कुरुते भी कर्म यदिंद्रिय प्रेतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आशदेह। ये जो शरीर है ये शरीर दुखदायी है, इस शरीर से हमें दुख मिलते आत्मा को। यद्यपि हम लोग शरीर से सुख भोग रहे हैं लेकिन दुख ज़्यादा है शरीर में। शरीर में बीमारियां हैं, शरीर में बुढ़ापा है, शरीर में बहुत प्रॉब्लम है। इस शरीर को शंकराचार्य कहते हैं कि शरीर व्याधि मंदिरम। आत्मा को शरीर के संपर्क में आने के बाद बहुत शरीर का दुख झेलना पड़ता है, और ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है अपने पिछले जन्मों के कर्म के फल के अनुसार। पिछले जन्मों में हमने इच्छा की थी भोग करने की, उस इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए थे, इस कर्मों के फल से शरीर प्राप्त हुआ है। परा भवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम। अगर हम इस जीवन में आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हमारा जन्म विफल है। आगे पढ़ दो, यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और तब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। तो जब तक हम अपने असली स्वरूप के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। तो जो लोग इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं और अपने स्वरूप के बारे में जिज्ञासा नहीं करते, अपने परिचय के बारे में कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के परे आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये अगर जिज्ञासा नहीं करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन हमारा उनका जो जीरो रिजल्ट हुआ शरीर प्राप्त करके,
अगर हम आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं किए। आगे कहते हैं, और जब तक वह इंद्रियतृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। हम जब तक आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम इंद्रियतृप्ति में बने रहेंगे। जब तक हम अपने स्वरूप की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम इंद्रियतृप्ति करेंगे, शरीर को भोगेंगे। क्योंकि हम आत्मा के बारे में नहीं पता है तो हम शरीर को भोगेंगे, और जब तक हम शरीर को भोगने का प्रयास करेंगे तो हमको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। हमारी चेतना शरीर में बंधी रहेगी, और अगर चेतना शरीर और मन में लगी रहेगी तो हमें दोबारा शरीर बार बार ग्रहण करना पड़ेगा। एवं मन कर्म वसम प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने। हमारा मन अगर शरीर में और इंद्रियतृप्ति में और भौतिक विषयों में अगर हमारा मन लगा रहता है तो हमको दोबारा जन्म लेना गारंटी है। तो हम अगर स्वरूप को नहीं जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो नेचुरली हम शरीर में और भौतिक विषयों में हमारा मन घूमता रहेगा। और मन अगर भौतिक विषय में घूम रहा है उसका मतलब दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। तो बहुत वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं ऋषभ देव। ये चेतावनी इस बात की है कि हमें दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, उसकी चेतावनी है। और ये हमारा जो इंद्रियतृप्ति वाला जो काम है वो बहुत खतरे का धंधा है, रिस्क की बिजनेस है, क्योंकि मन इसमें रमता रहेगा और हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और एक बार हम इस चांस को खो देंगे इस शरीर से बाहर निकलने का, और दोबारा अगर हम जन्म ले लेंगे तो फिर उसका एंड नहीं है। कितना जन्म हमको घूमना पड़ेगा, एंडलेस, कितनी योनियों में घूमते रहेंगे, एंडलेस है। बाहर निकलने का मौका इस भौतिक जगत से बहुत रेयर, दुर्लभ बहुत होता है, कभी कभी मिलता है। तो इस भौतिक चेतना से बाहर निकलने का जो अवसर मिला, जो सुयोग मिला, जो मौका मिला ये मनुष्य शरीर में, इसको अगर हम नहीं प्राप्त करते तो बहुत रिस्की होगा, दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म बंधन से कैसे निकलेंगे, तो एक तो है कि कर्म को त्याग दें कंप्लीटली। कर्म को त्याग करके आत्म तत्व की जिज्ञासा में लग जाए, वो एक मार्ग है। सब कर्मों को छोड़ के केवल आत्म तत्व की जिज्ञासा में लग जाए। और दूसरा मार्ग है कि हम अपने कर्मों को कृष्ण भावना में कर्म करें। तो भगवान अर्जुन को कौन सा मार्ग रेकमेंड कर रहे हैं? कृष्ण भावना में कर्म। इस संसार से बाहर निकल के आत्मतत्व की जिज्ञासा करना सबके लिए संभव नहीं, बहुत कम लोग ही कर सकते हैं, बहुत रेयर। तो सब कर्मों को त्याग करके केवल आत्मतत्व की जिज्ञासा करना वो बहुत डिफिकल्ट मार्ग है और बहुत कम लोग ही स्वीकार करेंगे। तो दूसरा उपाय है कि हम कृष्ण भावना में कर्म करें। कृष्ण भावना में कर्म करने से भी अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, तो कर्म फल से आसक्ति कम हो जाएगी, कर्मों से आसक्ति कम हो जाएगी, और हम धीरे धीरे उससे भी मुक्ति लाभ हो सकती है, मुक्ति लाभ होगी। वास्तव में
आत्मतत्व की जिज्ञासा से भी कृष्ण भावनामय कर्म श्रेष्ठ है। आत्मतत्व की जिज्ञासा से भी कृष्ण भावनामय कर्म श्रेष्ठ है। अगर आत्मतत्व की जिज्ञासा हम करेंगे, आत्मा को जानना कंप्लीट नहीं है, आत्मा को जानना कंप्लीट नहीं है। आत्मा के जो स्रोत हैं, आत्मा का जो उत्स है, वह कृष्ण है, भगवान है। तो भगवान की भक्ति के बिना केवल आत्मतत्व की जिज्ञासा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दे सकती है। कृष्ण भक्ति के बिना आत्मतत्व ज्ञान भी अधूरा है, इसलिए कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है। आत्मतत्व ज्ञान से भी कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, कि आत्मतत्व ज्ञान कृष्ण भक्ति के बिना अधूरा है। इसलिए अगर कोई कृष्ण भक्ति में लग जाएगा तो उसका आत्मतत्व ज्ञान भी हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोग आत्मतत्व ज्ञान में लगते हैं लेकिन संसार को छोड़ देते हैं और कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, उनके सन्यास को, उनके वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है, उनके वैराग्य को अधूरा वैराग्य कहा जाता है। तो वो अधूरा वैराग्य है जिसमें संसार को छोड़ के आत्मतत्व की जिज्ञासा की जा रही है लेकिन कृष्ण भक्ति उनमें नहीं है, उनका वैराग्य कैसा है? अधूरा, आधा वैराग्य, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट वैराग्य है कि कृष्ण भक्ति में कोई लगा रहे, चाहे वो संसार में रहे चाहे संसार के बाहर रहे, लेकिन कृष्ण भक्ति में जो लगा रहे वो वैराग्य पूरा है। अगला प्रश्न, अगला श्लोक। ज्ञेयासनित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधनों को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि असली सन्यासी कौन है? असली सन्यासी कौन है? जो व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में है, जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है, वो व्यक्ति कर्मों के फल को घृणा भी नहीं करता है और कर्मों के फल के प्रति आसक्ति भी उसको नहीं होती है। तो जिनको कर्मों के फल के प्रति आसक्ति भी नहीं है और जो उसको घृणा भी नहीं करता है, वो व्यक्ति असली सन्यासी है। ऐसा सन्यासी, ऐसा भक्त बहुत सुखपूर्वक इस भवसागर को पार कर सकता है। तो कर्मों के फल को आसक्त में नहीं होना और घृणा भी नहीं करना। बहुत सन्यासी होते हैं जो भौतिक संसार को बहुत तुच्छ समझ के
बहुत खराब समझ के छोड़ देते हैं और भौतिक विषयों से दूर रहते हैं और स्पेशली धन से दूर रहते हैं, पैसे से दूर रहते हैं, पैसे को स्पर्श भी नहीं करना चाहते धन को, संसारी लोगों से दूर रहते हैं, संसारी लोगों से स्पर्श में नहीं आना चाहते, तो आत्मकल्याण करना चाहते हैं, तो आत्मकल्याण करने के लिए ये लोग संसार के लोगों से दूर रहते हैं, धन से दूर रहते हैं, संसारी व्यक्तियों से दूर रहते हैं। वो महात्मा है, आत्मकल्याण करने के लिए लगे हुए हैं, वो अच्छा है, लेकिन इसके विपरीत जो कृष्ण भावनामय सन्यासी होते हैं वो लोगों के बीच में रहते हैं, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं और उनको कृष्ण भावनामय बनाने का प्रयास करते हैं। वो पैसे को त्याग नहीं करते, वो धन को त्याग नहीं करते हैं, लेकिन धन को इकट्ठे करके कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण के प्रचार में लगाते हैं, वो धन को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। तो दो प्रकार की सन्यासियाँ दिख रहे हैं, एक है जो बिल्कुल संसार से अलग है, दूर है, नहीं तो पैसे से नहीं तो संसारी लोगों से उनका कोई मतलब है, आत्मकल्याण में लगे रहते हैं, और एक है जो वो भी धन और संसार के प्रति उनको आसक्ति नहीं है, वो भी उससे दूर है, लेकिन फिर भी धन और पैसे को इस्तेमाल करते हैं कृष्ण की सेवा में। तो कौन सा श्रेष्ठ दोनों में से? हाँ, तो कृष्ण यहाँ पर कृष्ण रेकमेंड करते हैं कि अर्जुन को कि तुम पैसे को और भौतिक चीजों को कृष्ण भावना में लगाओ। तो कृष्ण भावना में सन्यासी जो होते हैं वो संसार के बीच में रहते हैं, संसारी लोगों के बीच में रहते हैं और उनको कृष्ण भावना में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में थे, वो संसार से दूर थे, पैसों से दूर थे, उनकी उम्र थी उस समय 70 साल, और उनके गुरु के आदेश से वो गए सबसे ज्यादा संसारी विषय लोगों के बीच में गए, वो अमेरिका जो भौतिकता में सबसे आगे है, और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क गए जो भौतिकता की एकदम चरम सीमा है, जहाँ पर वहाँ पर चले गए, वहाँ उन संसारियों के बीच में रहे और उनको उन्होंने कृष्ण भावना में बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने जितना भी पैसा आया सब पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और बड़े बड़े मंदिर बनाए। आप देखे होंगे वृंदावन का मंदिर कितना, वही प्रभुपाद जी फिर अमेरिका से वापस आने के बाद वृंदावन में बड़ा मंदिर बनाया, दिल्ली में बड़ा मंदिर है, बेंगलोर में बड़ा मंदिर है, पूरे विश्व में बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो ये और ऐसे प्रभु कृष्ण बोलते हैं कि सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसे भक्त बड़े आनंद से सुख से भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जा सकते हैं, सुखपूर्वक आनंदपूर्वक भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम जा सकते हैं। उतना कठोर वैराग्य और कठोर परिश्रम किए बिना
सुख पूर्वक सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाते लगाते हम सुखपूर्वक भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान ऐसा कहीं नहीं बोलते कि हमारे भक्तों को कष्ट करना चाहिए, हमारे भक्तों को भगवान बोलते आप सुख से रहे, कोई बात नहीं भक्ति करिए। भगवान ऐसा कहीं बोलते नहीं है कि मेरे भक्त अननेसेसरी बिना मतलब का तपस्या करेंगे, ऐसा भगवान का इरादा नहीं। तो ये दो हो गया, और तो एक सन्यासी हो गए जो पूरा सब कुछ छोड़ देते, कहीं पर भी नहीं किसी के साथ कोई मतलब, और एक कृष्ण भावना में सन्यासी है जो भगवान की बीच में, और एक है कैटेगरी, वो सन्यासी हैं लेकिन सब इकट्ठा करके फिदा हो जाते हैं, सब इकट्ठा करके हवा हो जाते हैं। तो वो और एक कैटेगरी है कि जो सब धन और संसार में जितना होता है जुटाते हैं, जुटा के फिर लापता है, तो वो दूसरा कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी जो है उसको यहाँ पर खंडन किया जा रहा है कि एक हो गया कि पूरा संसार को त्याग, और दूसरा हो गया कि पूरा भोग, जितना होगा बहुत आसक्ति, धन के प्रति बहुत आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, और दूसरा हो गया पूरा वैराग्य। तो यहाँ पर कृष्ण मत जो ज़्यादा आसक्त नहीं है और जो घृणा भी नहीं करता है, जो संसार कर्मों के फल को जो घृणा नहीं करता है और कर्मों के फल के प्रति जिसको आसक्ति नहीं है, वो रियल सन्यासी है। तो एक सन्यासी हो गया जो कर्मों के फल के प्रति उसको आसक्ति है इसलिए वो इकट्ठा कर रहा है, और एक सन्यासी है जो कर्म फल को घृणा करता है इसलिए छोड़ देता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामय सन्यासी है, कृष्ण का भक्त है, उनको इस धन के प्रति आसक्ति भी नहीं है और उसको घृणा भी नहीं करता है, अगर आया तो उसको कृष्ण भावना में लगा दिया। तो हम लोग को इस प्रकार के सन्यासी बनना चाहिए। और ये जो कृष्ण बोल रहे हैं ये सन्यासी कैसे, वो गृहस्थ सन्यासी ये गृहस्थ सन्यासी है, मतलब अगर कोई गृहस्थ है उसको कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं है, धन के प्रति आसक्ति नहीं है, और वो धन को घृणा भी नहीं करता है, धन को घृणा नहीं करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं है, तो क्या करेगा, उसका मतलब पूरा कृष्ण भावना में लगाएगा, वो कृष्ण भावना में लगाता है तो वो रियल सन्यासी है। ठीक है, नेक्स्ट लो। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण, अज्ञानी भक्ति को भौतिक जगत के श्रेष्ठात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों मार्ग एक प्रकार के हैं, एक संसार के प्रति पूरा अनासक्ति होना, आसक्त नहीं होना,
संसार से दूर रहना, और एक है संसार में रह के कृष्ण भावना में कर्म करना। दोनों मार्ग एक है और दोनों मार्ग का लक्ष्य एक है, भगवान की प्राप्ति। तो प्रभुपाद जी कहते कि एक मार्ग है जो ज्ञान का मार्ग है, उसमें इस जगत के मूल को ढूंढने का प्रयास, वो ज्ञान मार्ग है। इस जगत के मूल को ढूंढने का प्रयास वो ज्ञान मार्ग है। इस जगत का मूल कहाँ है, रूट कहाँ है, तो फाइंडिंग द रूट वो ज्ञान का मार्ग है। और इस जगत के मूल में जल को सिंचन करना, इस जगत के मूल के ऊपर जल को सिंचन करना वो भक्ति का मार्ग है। एक के मूल को ढूंढना और दूसरा है जल सिंचन करना। सांख्य मतलब कि परम तत्व की जिज्ञासा, परम तत्व क्या है इसका स्पेकुलेशन करना, चिंता करना कि भगवान कौन है। और एक व्यक्ति माला जप कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, और एक व्यक्ति आंख बंद करके कल्पना कर रहा है कि परम तत्व कौन है, परम तत्व कैसे है। ये ज्ञानी है और ये भक्त है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? जो परम तत्व की कल्पना कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है? देखने में तो लगता है कि वो श्रेष्ठ है, वो तो सोचता है कि मैं एडवांस हूं, ये मूर्ख है, ये हरे कृष्ण कर रहा है और मैं बहुत विद्वान पंडित हूँ, मैं बहुत ऊंचा ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। तो कल्पना करने वाले अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, घमंडी कल्पना करते रहते हैं, किससे बात नहीं करेंगे, अपने आप को पूरा जगत से अलग समझते हैं, कुछ अलग हटके समझते हैं। तो वो हो गया जगत के मूल को ढूंढने का प्रयास। और इधर जो भक्त है वो बोलते हैं हमको वो सब, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि इस जगत के मूल को हम ढूंढ लें, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। हमको कहा गया है कि कृष्ण का नाम जप करो, इससे कृष्ण खुश होंगे, बस। गीता में भगवान बोलते हैं मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम जप करो, हम करते हैं। अब सही में भगवान को देखा है कि नहीं, भगवान कैसे हैं, भगवान इतना कुछ हमको जानने की जरूरत नहीं है। जो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया गुरु से, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना, तो इसमें श्रद्धा की जरूरत है भक्ति में। श्रद्धा होगी तो भक्ति कर पाएंगे, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आप भगवान को ढूंढते रहिए। जब भगवान को आप परीक्षा करके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आप परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई मशीन है कि परमात्मा को पकड़ पाएंगे? लेकिन वो लोग अपना ये ब्रेन वाला लेबोरेटरी में परमात्मा को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बुद्धि से। वो सोचते हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, परमात्मा को समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे उसके बाद भक्ति करेंगे। ये हो गया ज्ञान। अपनी बुद्धि से हम जब तक भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जब बहुत लोग भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, क्यों? यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो नास्तिक कहते हैं अपने आप, हम नहीं मानते हैं। अगर भगवान हमको आके दिखाई दे तो हम भक्ति करेंगे, अगर भगवान आके हमको
ये करें, भगवान आपको हमको बोले, खुद भगवान हमको कुछ चमत्कार दिखाएंगे, कुछ मिराकल करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। तो भक्ति में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और श्रद्धा नहीं होने से फिर ज्ञान का मार्ग चलता है। लेकिन ये जो ढूंढने वाले लोग भी अल्टीमेटली एक न एक दिन पता चलता है उनको कि परमात्मा है, तब जाके वो भक्ति में आते हैं। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अरे डायरेक्ट है वो, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। तो जैसे 15वें अध्याय में भगवान एक अश्वत्थ पीपल के पेड़, पीपल ने अश्वत्थ वट वृक्ष की बात करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं। आप अश्वत्थ वृक्ष होता है बोटानिकल गार्डन में, वो जो है वट वृक्ष, उसका मूल ढूंढ नहीं सकते हैं, है ना। मूल कौन सा है ढूंढना मुश्किल होता है बरगद का पेड़, लेकिन आप पानी डालेंगे तो नीचे एनीवे मूल में जाएगा, है कि नहीं। अगर बहुत जंगल घना हो गया है, इतना घना जंगल हो गया है कि मूल को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप अगर पानी डालेंगे तो मूल में पहुंच जाएगा। इसी तरह इस संसार में अपनी बुद्धि से भगवान को ढूंढना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो ठीक भगवान के पास पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लो, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण, जो ये जानता है कि सिद्धेशात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो जो जो व्यक्ति समझदार है, समझदार व्यक्ति ये जानता है कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग, सांख्य और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों रास्ते से अल्टीमेटली उन्हीं परमात्मा के पास हम पहुँचेंगे, चाहे हम सांख्य मार्ग से जाए, चाहे कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग से जाए या कर्म योग के द्वारा, हम पहुँचेंगे वहाँ पर ही, वो जानता है। तो सांख्य मतलब ज्ञान, इसकी पद्धति है कि हमें संसार से विरक्त होना, ये सांख्य है। संसार से वैराग्य, संसार से आसक्ति को तोड़ना, ये सांख्य का और ज्ञान का मार्ग है। और भगवान के प्रति आसक्त होना, भगवान के प्रति आसक्ति को जोड़ना, ये भक्ति का मार्ग है। तो इतना अंतर है, सांख्य का मार्ग है संसार की आसक्ति को तोड़ना, और भक्ति का मार्ग है भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना। तो दोनों का लक्ष्य एक ही जैसा है कि नहीं, एक ही लक्ष्य है। अगर कोई भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाता है तो उसको संसार के प्रति आसक्ति अपने आप टूट जाएगा, और अगर कोई संसार के प्रति आसक्ति तोड़ता है तो बाद में उसको भगवान के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, तब जाके वो पूरे पूरा वैराग्य उसका पूरा होगा। ये अंतर है। तो ज्ञान मार्ग वाले संसार के प्रति आसक्ति को तोड़ने का खाली प्रयास करते हैं। इसलिए खाली आप उनके प्रवचन में जाएंगे तो आपको खाली संसार की बुराइयों को ही बोलते रहेंगे, वो लोग खाली संसार की बुराइयों को बोलते रहेंगे, संसार से निकलने का बोलते रहेंगे,
लेकिन बोलते तो रहेंगे लेकिन कोई निकल नहीं पाता है। सब लोग सुन तो लेंगे, ये बुरा है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, हजारों बार सुन लेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। लेकिन भक्ति वाले क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। भक्ति कर लेंगे, मन अगर भक्ति में लग जाएगा पूरा, तब संसार के प्रति आसक्ति छूट जाएगी। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट सन्यासस्तो मा बाहु दुःखम् आप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का प्रत्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचार और व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। अगर समस्त कर्मों का परित्याग कर दें, समस्त भौतिक कार्यों को त्याग कर दें, सब बुराइयों को छोड़ भी दें, लेकिन अगर भक्ति में नहीं लगेंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। जो भक्ति में लगा हुआ है वो शीघ्र भगवान को प्राप्त करेगा और सुखी बनेगा। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो प्रकार के सन्यासी, दो प्रकार के संप्रदाय का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तुलना कर रहे हैं दो संप्रदायों की। एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, दूसरा मायावाद संप्रदाय। दो संप्रदाय की प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, एक तरफ मायावाद संप्रदाय है, एक तरफ वैष्णव संप्रदाय है। तो आइए हम देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। मायावाद संप्रदाय के आचार्य गुरु हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी मायावाद संप्रदाय के गुरु हैं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय वाले व्यासदेव को मानते हैं, व्यासदेव के लिखे हुए ग्रंथों को हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यासदेव ने भगवद गीता लिखी है, व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखी है, व्यासदेव ने भगवद गीता, भागवतम और वेद उपनिषद लिखे, तो उसको वैष्णव संप्रदाय वाले मानते हैं। और मायावाद संप्रदाय वाले व्यासदेव की गीता लेकिन शंकराचार्य की कमेंट्री के साथ हटते हैं। आगे क्या क्या अंतर है बताता हूं। मायावाद संप्रदाय के लोग वेदांत सूत्र जो व्यासदेव ने लिखा है उसका शंकर भाष्य, शंकर की कमेंट्री पढ़ते हैं, और वैष्णव लोग वेदांत सूत्र को पढ़ते हैं। वेदांत सूत्र की कमेंट्री है भागवतम, उसको पढ़ते हैं वैष्णव लोग। मायावाद संप्रदाय वाले जो सन्यासी हैं उसको एक दंडी कहा जाता है, और वैष्णव संप्रदाय को त्रिदंडी कहा जाता है। एक दंडी का अर्थ होता है वो आत्मा और भगवान को एक मानते हैं, ब्रह्म और परब्रह्म को एक समझते हैं। वैष्णव लोग
तीन वस्तु को मानते हैं, भगवान अलग है, भक्त अलग है और भक्ति। तो भक्त, भगवान और भक्ति तीन चीज को मानते हैं, ये तीन अलग अलग है। भक्त कभी भगवान नहीं हो सकता है, भगवान कभी जीव नहीं हो सकते, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है, और दोनों के बीच में जो संबंध है वो भक्ति का है। ये तीन चीज नित्य है, जीव नित्य है, भगवान नित्य है, और जीव और भगवान का जो संबंध है भक्ति है वो नित्य है। तो इसलिए हम लोग त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव लोग कहते हैं। मायावादी सन्यासी संसार का त्याग करके केवल कल्पना करते ब्रह्म की, और वैष्णव सन्यासी संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सब संसारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वैष्णव सन्यासी फिर क्योंकि मायावादी सन्यासी लोग संसार को मिथ्या समझते हैं, फॉल्स, इसलिए वो जब कुछ भी ग्रहण करते हैं, जैसे खाना भोजन करते हैं, तो भी उनको संकोच होता है, उनको भोजन करने में संकोच होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो भोजन वो कर रहे हैं वो मिथ्या संसार से खा रहे हैं, वो मिथ्या संसार की वस्तु को खा रहे हैं, और ये खाने से उनको बंधन होगा और उसको बाद में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए मायावादी सन्यासियों को जो जीने के लिए जो बेसिक नीड है, भोजन, वस्त्र और रहने का जगह, इसको प्राप्त करने में भी संकोच होता है और उनको इसका फल भोगने का टेंशन रहता है। और वैष्णव सन्यासी इन्हीं वस्तु को भगवान को निवेदन करते हैं, खाने को, भोजन को निवेदन करके प्रसाद खाते हैं, और प्रसाद खाने में उनको कोई संकोच नहीं होता है, बड़े आनंद से प्रसाद खा लेते हैं। उनको रहने के लिए भी कोई संकोच नहीं है, भगवान का मंदिर है, भगवान का आश्रय है, भगवान का आश्रय में रहते हैं। तो सारी चीज़ों को भगवान को निवेदन करके वो ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद के रूप में सब कुछ लेते हैं, इसलिए कोई संकोच नहीं है। और मायावादी संप्रदाय के लोग जब उनका मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उनकी, आत्मा जब ब्रह्म में विलीन होती है, तो ब्रह्म में विलीन होने के बाद भी वहाँ पर फॉल डाउन होने का चांस देता है, पतन का, क्योंकि उनको अकेलापन होता है। वो लोग मायावादी ब्रह्मवादी लोग एक के अलावा दूसरी चीज में किसी को मानते नहीं है, अद्वैतवादी है, तो उनको अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए उनका फॉल डाउन होने का चांस रहता है। तो जब उनका पतन होता है मायावादी लोगों का, तब वो समाज की सेवा में और अलग अलग कार्यों का शुरुआत करते हैं, जबकि वो भौतिक संसार के कार्यों में फिर लग जाते हैं गिरने के बाद। और वैष्णव सन्यासी पहले ही समाज की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वो समाज का असली कल्याण, आत्म कल्याण के लिए लगे रहते हैं, उनको उन्नति करने में। तो ये थोड़ा अंतर है दोनों संप्रदाय का, जो प्रभुपाद जी इधर लिखे हैं। वैष्णव संप्रदाय, भारत में चार संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय माने जाते हैं, एक रामानुज है संप्रदाय जो श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, एक मध्वाचार्य का संप्रदाय है जिसको ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, एक निम्बार्क संप्रदाय जिसको कुमार संप्रदाय से जाना जाता है, और एक विष्णु स्वामी का संप्रदाय या अनिरुद्ध संप्रदाय कहा जाता है या वल्लभ संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं।
इसके अलावा पांचवा एक है वह शंकर आचार्य का मायावाद संप्रदाय। लेकिन ओवरऑल सब कुछ मिला के सनातन धर्म में आता है ये सारे संप्रदाय। इवन शंकराचार्य भी सनातन धर्म के अंदर आते हैं, अंतर्गत है। हरे कृष्णा।